अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू आर ऑल फाइन एट होम। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर, कारवाने उर्दू क्लास वन। चैप्टर नंबर टू है मदद करो। फर्स्ट चैप्टर था हमारा हम्द के बारे में, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम्द था हमारा, हमने इसकी रीडिंग की थी, डिक्टेशन वर्ड्स किए थे, अल्फाज मायने थे हमने वो कर लिए थे इसके, क्वेश्चन आंसर्स की थी और वर्कबुक पे जो बाकी एक्सरसाइज थी वो सॉल्व की थी हमने। यहाँ पे जो एक्सरसाइज थी हमारी, हमने वो सॉल्व कर ली। ये हमारी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो कि आपने ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, इसकी डिक्टेशन, रीडिंग, क्वेश्चन आंसर्स, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। जैसे ही उन्होंने खुश हती के अल्फाज दिए थे, ये भी आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर टू का नेम है हमारा मदद करो। चूँ चूँ मैं चल नहीं सकता, फिसलने से मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझे अम्मी के पास जाना है। चू चू अगर आप देखें तो चू चू चूज़े की आवाज़ होती है, तो ये स्टोरी किसके बारे में है? चूज़े के बारे में। चूज़ा कह रहा है चू चू मैं चल नहीं सकता, फिसलने से मेरे पाँव में मोच आ गई है, मुझे अम्मी के पास जाना है। चू चू गाय हाला मेरी मदद करो, चू चू भय भय अरे नहीं भाई मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। चू चू चूज़ा जो है वो अपने गाय को कहता है, गाय हाला को, कि मेरी मदद करो कि चलना नहीं जा रहा तो मुझे अम्मी के पास जा। तो गाय जो है वो पहले अपना साउंड प्रोनाउंस करती है, जैसे उसकी आवाज़ होती है भय भय अरे नहीं भाई मैं तो खाना लेने जा रही हूँ। वो गाय कहती है नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं खाना लेने जा रही हूँ जी। इसे नेक्स्ट पेज पर क्या है, क्या हुआ है चूज़े भाई, चू चू मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो, मुझे अम्मी के पास जाना है, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी, मगर तुम तो इतनी छोटी हो। अब चूज़े के पास, चूज़े को रोता हुआ देख के चूंटी आती है, तो चूंटी उससे पूछती है कि क्या हुआ है चूज़े भाई। चूज़ा बोलता है चू चू मैं चल नहीं सकता, मेरी मदद करो, मुझे अम्मी के पास जाना है। वो ऐसे बोल के फिर पूछता है चूंटी से, क्या तुम मेरी कुछ मदद करोगी। वो चूंटी से मुखातब होकर पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। चूंटी के जवाब देने से पहले चूज़ा कहता है, मगर तुम तो इतनी छोटी हो, कि तुम तो इतनी छोटी हो, तुम किसी की मदद कैसे कर सकती हो। फिर ये आप देखें पिक्चर में देखें, वो चूंटी जो है अपनी बाकी चूंटियों साथियों को बुला लेती है और उसकी मदद करती है और बोलती है, अरे तुम परेशान ना हो, आओ बहनों जल्दी आओ। वो पहले चूज़े से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और बाकी अपनी चूंटी साथियों को बुलाती है कि आओ बहनों जल्दी आओ, कि हम वो चूज़े की मदद करने के लिए तैयार हैं। अरे तुम आ गए नन्नी चूंटियों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये अब चूज़ा जो है वो अपनी माँ के पास पहुँच गया, तो वो जो मुर्गी है वो चूंटियों का शुक्रिया अदा करती है। वो अब चूज़े को देखते ही बोलती है, अरे तुम आ गए, कि तुम आ गए हो नन्नी चूंटियों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर वो मुर्गी जो है वो चूंटियों का शुक्रिया अदा करती है कि वो चूज़े को उस तक ले आई चोट लगने के बाद। ठीक है जी, यह आपकी आज की रीडिंग है। अब हम डिक्टेशन वर्ड्स देख लेते हैं इसके क्या बनेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारा फिसलने, पाँव, मोच, अम्मी, खाना, छोटी, परेशान, नन्नी और शुक्रिया। ठीक है जी, ये आपके टू पेजेस की रीडिंग और डिक्टेशन वर्ड है, पेज नंबर 7 पे और पेज नंबर 8 पे। ठीक है जी, ये आपकी डिक्टेशन वर्ड्स भी हैं, इन्हें भी आपने प्रिपेयर करना है और राइट करना है और शेप्स नीट बनानी है, ताकि आपकी राइटिंग नीट रहे, और साथ में इन रीडिंग के पेजेस को प्रिपेयर भी करना है। ओके जी, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।